प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट आर प्रोटीन्स, इनके मोनोमर्स क्या है, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। अब हम प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन के, दिस इज बेस्ड ऑन बॉन्ड्स जिनको हम सूडो बॉन्ड्स बोलते हैं, एच बॉन्डिंग, ग्लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। इनकी वजह से प्रोटीन्स डिफरेंट, वी कैन से, शक्लें इख्तियार करते हैं। इन अशकाल को, इन शेप्स को हम बोलते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। आपने सुना होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जैसा कि इंसुलिन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मायोग्लोबिन है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन राइबोन्यूक्लियेज़, ये इनकी मिसालें हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आ जाते हैं हीमोग्लोबिन। ये स्ट्रक्चर्स हम किस अंदाज से जाके डिज़ाइन करते हैं एक तरह से। नाउ लुक, आप जानते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड NH2। इसके साथ यहाँ पे H, यहाँ पे R1, R ग्रुप है। इसी तरह ये दूसरा अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल C, यहाँ पे फॉर एग्जांपल H, यहाँ पे COOH, NH, इस तरह NH2 हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे R2। ये दोनों अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल दे आर अटैच टू डिफरेंट चेन्स या सिमिलर चेन में भी ये आ सकते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जब हम प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, आप ये जानते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अगर एक अमाइनो एसिड का H ग्रुप, ये H ग्रुप है, दूसरे अमाइनो एसिड के ओ ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यू लिखते हैं OH, इसके साथ एक बॉन्ड बनाए, दिस विल बी एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आप लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, द बॉन्ड बिटवीन एच एटम इन हाईली इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम। इस बॉन्डिंग की वजह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंट चेंजेस आते हैं, ये ग्लोबुलर या फिब्रस प्रोटीन्स बनते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में ऐसे बॉन्ड्स नहीं बनते, सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लंबे लंबे धागे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे धागे होते हैं किस चीज़ के, वी कैन से अमाइनो एसिड्स के। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड का एक सिंगल चेन हुआ करता है, ये देखिए अ सिंगल चेन ऑफ वी कैन से अमाइनो एसिड इस अंदाज से, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगा। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जिनको हम एक मिसाल इंसुलिन का वो लेते हैं, इसमें एक सीधा चेन आपको अमाइनो एसिड का नज़र आएगा, इतना कम्प्लेक्स नहीं होगा, और इसमें जो है एच बॉन्डिंग लीस्ट होंगे, बहुत कम इसमें एच बॉन्डिंग्स होंगे, ठीक है, ना होने के बराबर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को हम वर्ड्स बोलते हैं, ये क्या, ये अल्फाज है, सॉरी वो अल्फाज है, ये क्या, ये इनके हरूफ है एक तरह से। सो दीज आर दी अल्फाबेट्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर वर्ड्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स स्टेटमेंट्स से, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पैराग्राफ्स से। अब जाहिर सी बात है, अगर आप सिर्फ सिंगल अल्फाबेट्स की बात करते हैं, तो अल्फाबेट्स, एक अल्फाबेट की अगर आप बात करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। कब अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, वर्ड्स जब इनसे बनेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अल्फाबेट ए बी एंड अदर्स, इनके दरमियान एच बॉन्डिंग्स नहीं होंगे, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर, और इसकी मशहूर मिसाल क्या है, इंसुलिन है। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, दैट इज़ जब वर्ड्स इनसे बनते हैं, इसकी मिसाल क्या है, मायोग्लोबिन है। ये देखिए मायोग्लोबिन में दो तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, अल्फा हेलिक्स, ये हेलिकल स्ट्रक्चर DNA की स्ट्रक्चर की तरह, और बीटा प्लीटेड, इसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट्स, इस तरह। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये एक अमाइनो एसिड होगा, ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड होगा, इन दोनों के दरमियान एज बॉन्डिंग्स बनेंगे। क्यों, कैसे बनेंगे, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, अमाइन ग्रुप भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ऑक्सीजन एटम, अमाइन ग्रुप का एच एटम, इनके केस में ये दोनों एच बॉन्डिंग बनाएंगे, एच बॉन्डिंग बनाने के बाद जाके इनका ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। यही पॉइंट्स आप लोग न्यूक्लिक एसिड्स में भी पढ़ते हैं, DNA RNA में, ठीक है। DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट वी कैन से न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस के दरमियान। सेम इज़ द केस ओवर हियर। तो कोई भी ऐसा प्रोटीन जिसमें अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर हो, वी कॉल सच अ
वी कैन से प्रोटीनियस स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये सिंपल स्ट्रक्चर था, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स बना. ये देखिए, अब ये देखिए बीटा प्लेटेट किस तरह, ये एन एटम है, एच एटम है, इन दोनों के दरमियान एच बॉन्डिंग, यहाँ पे एच बॉन्डिंग्स आ जाएंगे. तो इस अंदाज से अल्लाह ताला डिज़ाइन करेगा, इस अंदाज से जाके ये आ जाएंगे कि इनके दरमियान एच बॉन्डिंग बने और ऐसा एक स्ट्रक्चर बने, वी कॉल इट बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. सो एल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो है ये आ जाते हैं किस चीज़ में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. फिर बात आती है टर्शियरी स्ट्रक्चर की. टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं थोड़े से. एल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, इन दोनों की मिक्सचर होती है. इस केस में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या तो ये होंगे या ये होंगे, ठीक है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होंगे या बीटा प्लेटेड होंगे. इन केस ऑफ टर्शियरी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जिन का मिसाल राइबोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स है, इन एंजाइम्स के, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, इन एंजाइम्स के स्ट्रक्चर जो है अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड, इसकी इन दोनों का एक तरह से मजमुआ होता है. तो अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं, किस तरह मिक्स करते हैं, यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल एक एच एटम अमाइनो एसिड का, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स देते हैं किसको, बीटा प्लेटेड को, तो ये दोनों भी लिंक हो गए. ऐसा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब आ जाएगा, दिस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विल बी नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर. मिसाल इनकी क्या है, राइबोन्यूक्लियेसेस. इन केस ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, इसमें कंटेनिंग मोर देन वन अमाइनो एसिड चेन, एक से ज़्यादा चेन्स होंगे और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब की एक तरह से खिचड़ी बन जाएगी. प्राइमरी स्ट्रक्चर्स भी इसमें है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है, इसमें दो चेन्स होंगे किस चीज़ के, अमाइनो एसिड के. जब ये सारे मिक्स होंगे तब जाके क्या बनेगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. और इसका मिसाल क्या है, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज़ अ पिगमेंट इनसाइड आरबीसीज जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं. राइबोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स स्पेशल. मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, स्टोरिंग प्रॉपर्टी. ये मसल्स में पाया जाने वाला एक पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट. इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है. इंसुलिन आप जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ द फेमस हॉर्मोन्स. सो इस तरह आपकी बॉडी में ये स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स मिलके क्या बनाते हैं, दे आर मेकिंग अ प्रोटीन्स. अब क्या ज़रूरत है स्ट्रक्चर्स की, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की. हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स. फाइब्रस प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है. आपने नाम सुना होगा केराटिन का, केरा टेन. आपने नाम सुना होगा कोला जिन का. तो कोलेजिन और केराटिन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है, क्योंकि इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोस्टली सेकेंडरी होते हैं. तो इनकी शक्लें जो है फाइब्रस प्रोटीन की, वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के होते हैं. तो इनके अंदर या इन प्रोटीन्स में हम पॉकेट्स नहीं बना सकते, 3D पॉकेट्स जिनको हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं, एंजाइम के केस में, रिसेप्टर के केस में, चैनल्स के केस में. ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन जो कि टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से बनते हैं, जिनसे जाके बनते हैं क्या, एंजाइम्स. एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, चैनल्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. अब ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या रखते हैं, दे आर पोजेसिंग 3D स्ट्रक्चर. क्या मतलब 3D स्ट्रक्चर, ये देखिए एक मिसाल मैं आपको दे दूँ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. ये एंजाइम का एक स्ट्रक्चर है, और एंजाइम के स्ट्रक्चर में आपको एक स्पेशल साइट मिलता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट. एंजाइम्स क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है. मैं आपको अभी फ़र्क बता रहा हूँ फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड है. एक्टिव साइट जो है वो क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर. क्या मतलब 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि इनमें कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेसिस होते हैं. दिस इज़ वाई एक्सेस, दिस इज़ एक्स एक्सेस, दिस इज़ जेड एक्सेस. तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें एक्स वाई जेड एक्सेसिस आपको नज़र आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर. अब 3D स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से.
किस तरह? ये देखिए, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर किसे बना? यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन एटम, दूसरे अमाइनो एसिड का यहाँ पे एच एटम, इन दोनों के दरमियान जाके एच बॉन्डिंग बनी। ये नेक्स्ट कॉर्नर है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या, ये नेक्स्ट कॉर्नर है। इस कॉर्नर में एक अमाइनो एसिड का ऑक्सीजन एटम, दूसरे अमाइनो एसिड का एच एटम, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवॉल, वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की मदद से जब ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं, इन बॉन्ड्स की मदद से यहाँ पे इनके 3D स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो दिस 3D स्ट्रक्चर इज ड्यू टू, वी कैन से, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स। तो वो प्रोटीन्स जिनमें ऐसे एक्टिव साइट्स बनते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर राउंड प्रोटीन्स होते हैं। और इनकी मिसालें एंजाइम, रिसेप्टर्स और चैनल्स हैं। वो प्रोटीन जिन्हें हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको इन अ सेंस सिंपल एच बॉन्डिंग की ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन सपोर्टिव प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। सपोर्टिव प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, जैसा कि टेंडेंस, लिगामेंट्स, वो फाइब्रस प्रोटीन से बनते हैं। जैसे कि आपका स्किन फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। अब इंजाइम्स आपको सपोर्ट नहीं करता है, एक आपकी बॉडी को सहारा नहीं देता है, लेकिन आपकी बॉडी की इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। सो दे आर फंक्शनल प्रोटीन, दे आर सपोर्टिव प्रोटीन्स। सपोर्टिव प्रोटीन्स टफ प्रोटीन्स होते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स रखते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो टफ नहीं होते हैं, ईजिली जो है इसको हम डीनेचर कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ऑल अदर्स। सो इस तरह आपकी बॉडी में जो है तीन चार तरह के जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। टू समराइज, आज का लेक्चर इज बेस्ड ऑन द प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हमारे पास चार तरह की है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें एच बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है, जिनको हम अल्फेबेट्स बोलते हैं और जिसकी मिसाल इंसुलिन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है मायोग्लोबिन, मिसाल है इसकी, है ये वर्ड्स होते हैं इनके, इनमें जो है डिफरेंट वी कैन से एच बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर स्टेटमेंट्स, जिनको हम सेंटेंसेस बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियेज, ये अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड के एक साथ होने से बनते हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की मिसाल जो है हीमोग्लोबिन है, और इनमें जो है ये सारे स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सब को अगर आप कलेक्ट करेंगे और एक प्रोटीन डिज़ाइन करेंगे, दैट विल बी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये अक्सर बुक्स में आप देखते हैं, टेलीफोन का जो तार है फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको आप बिल्कुल सीधा लाइन अप करते हैं प्राइमरी होंगे, अगर आपको थोड़ा सा कॉयल करते हैं सेकेंडरी, थोड़ा सा और मोड़ देते हैं, वो बन जाएंगे टर्शरी। बिल्कुल कम्प्लेक्स आप कॉयल करते हैं, कॉयलिंग, सुपर कॉयलिंग इसी करते हैं, तब जाके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे रिगार्डिंग प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे व्हाट इज़ डीनेचुरेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स, और कुछ और कंसेप्ट जो कि इससे रिलेटेड है। थैंक यू सो मच, सी यू देन।